नमस्कार। और 100 में से 151 नंबर देने वाली LNMU का एक और कारनामा, एडमिट कार्ड पर राज्यपाल का फोटो। कुछ दिन पहले ही दरभंगा के ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में स्नातक के स्टूडेंट के अंक प्रमाण पत्र में 100 नंबर की परीक्षा में 151 नंबर देने का मामला सामने आया था, जिसे लेकर भी यूनिवर्सिटी विवादों में आ गई थी। इस मामले को छात्र अभी भूले भी नहीं थे कि फिर से एक गलती यूनिवर्सिटी ने कर दी है। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी LNMU का फिर से एक नया कारनामा सामने आया है। BA पार्ट 3 के छात्र को जो एडमिट कार्ड जारी किया गया है, उसमें बिहार के महामहिम राज्यपाल फागू चौहान का फोटो लगा दिया गया है। महामहिम राज्यपाल का फोटो लगा एडमिट कार्ड अब सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, जो विश्वविद्यालय की कार्यशैली पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। ऐसा सिर्फ बिहार में ही हो सकता है। एडमिट कार्ड पर छात्र की जगह गवर्नर की तस्वीर लगा दी गई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दरभंगा के LNMU यानी कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी की, जिसके कारनामे की चर्चा आए दिन होती रहती है, इस बार भी हो रही है। इस बार तो विश्वविद्यालय ने स्नातक तृतीय खंड की परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी किया है और एडमिट कार्ड में छात्र की फ़ोटो की जगह बिहार के महामहिम राज्यपाल की तस्वीर लगा दी गई है। यह एडमिट कार्ड बीते गुरुवार को जारी किया गया था, जिसमें रवीश कुमार सानू, जो कि BD कॉलेज बेगूसराय का छात्र है, उसके एडमिट कार्ड में बिहार के महामहिम राज्यपाल फागू चौहान की तस्वीर लगी है। जब इस बात की खबर छात्रों को हुई, तब विश्वविद्यालय में हड़कंप मच गया। मामला अब तुल पकड़ने लगा है। कुछ दिन पहले ही दरभंगा के ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में स्नातक के स्टूडेंट के अंक प्रमाण पत्र में 100 नंबर की परीक्षा में 151 नंबर देने का मामला सामने आया था, जिसे लेकर भी यूनिवर्सिटी विवादों के घेरे में आ गई थी। इस मामले को छात्र अभी भूले भी नहीं थे कि फिर से एक गलती यूनिवर्सिटी ने कर दी। सोशल मीडिया पर भी यह तेजी से वायरल हो रहा है, जो यूनिवर्सिटी की कार्यशैली पर अनेक सवाल खड़े कर रहे हैं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें, न्यूज़ प्रत्यक्ष, झारखंड, बिहार।